हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिग्मा कोचिंग क्लासेस में। और आज अपन पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर समय और कार्य। समय और कार्य मतलब एसएससी का जो अभी पेपर होने वाला है उसमें इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें अपन देख लेते हैं समय और कार्य में कुछ क्वेश्चन। जैसे कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है अपने पास में, एक व्यक्ति है जो एक दिन में 5 कार्य कर सकता है। एक व्यक्ति एक दिन में 5 कार्य कर सकता है और वो लगातार 5 दिन तक कार्य करता है। कोई व्यक्ति एक दिन में 5 कार्य कर रहा है और वो 5 दिन तक लगातार कार्य कर रहा है, मतलब एक दिन में 5 कार्य कर रहा है और कितने दिन कार्य कर रहा है, 5 दिन कार्य कर रहा है, तो उसके कुल कार्य कितने हो जाएंगे। 5 कार्य कर रहा है एक दिन में, 5 दिन तक कार्य कर रहा है, मतलब एक दिन में अगर 5 कार्य करेगा तो 5 दिन में 25 कार्य हो जाएंगे उसके कुल। मतलब कि एक व्यक्ति एक दिन में जो कार्य करता है 5 दिन तक लगातार कार्य करेगा तो कितने कार्य कर पाए, वो 25 कार्य कर पाए। मतलब जो एक दिन में जो कार्य कर रहा है वो है उसकी कार्य क्षमता। 5 कार्य कर रहा है एक दिन में, ये हो गई उसकी कार्य क्षमता। 5 दिन तक कार्य कर रहा है, दिन मतलब ये क्या हो जाएगा अपने पास में समय, तो कुल कितने कार्य किए उसने, 25 कार्य कुल कार्य है ना, तो ये हो गया उसका कुल कार्य। ये हो गया अपने पास में सूत्र इस चैप्टर का। इसी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आसानी से अपने। क्या आएगा सूत्र की कार्य क्षमता इंटू समय बराबर में कुल कार्य। कार्य क्षमता का इंटू अगर समय में करते हैं तो कुल कार्य अपन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस वाले फॉर्मूले में से। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो देखते हैं अपन कि क्वेश्चन क्या है कि एक काम को 6 दिनों में कर सकता है। एक व्यक्ति एक कार्य को छह दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर मतलब कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये क्या दे रखा है कि ए 6 दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में कर रहा है। तो अगर अपन यहां से इन दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा अपने पास में कुल कार्य। क्या निकल के आ जाएगा, कुल कार्य निकल के आ जाएगा। ए कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिन में, बी कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिन में। एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, कुल कार्य निकल के आएगा। हम एलसीएम निकाल लेते हैं एक बार, 6 का और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो ये जाएगा 2 की 6, 9 में जाएगा नहीं, 3 का 3 दिया 9, तो ये हो जाएगा अपने पास में। ये इसका एलसीएम जाएगा 3 किया 9 9 दूनी 18, तो ये आ गया अपना 18। मतलब कि कुल कार्य आ गए हैं अपने पास में, कुल कितने कार्य हैं अपने पास में 18। कुल कार्य 18 है। ए कितने कार्य कर रहा है एक दिन में, 6 कार्य कर रहा है। बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 9 कार्य कर रहा है। अगर हम इसकी कार्य क्षमता देखें, कि ए कितने कार्य करता है एक दिन में, 6 कार्य करता है, कुल कार्य कितने करने हैं उसको, 18 कार्य करने हैं, तो 6 किया 18, मतलब कि एक दिन में कितने कार्य करता है, 3 कार्य करता है वो एक दिन में 3 कार्य करता है। बी कितने कार्य करेगा, 9 दिन कार्य करता है, तब जाके 18 कार्य कर पाता है, तो 9 दूनी 18, तो बी कितने कार्य करता है, 2 कार्य करता है, कितने दिन में, एक दिन में। ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है, कुल कितने कार्य करना है, 18 कार्य करना है दोनों को मिलकर। मतलब कि सूत्र क्या है अपने पास में कि कार्य क्षमता इंटू समय बराबर में कुल कार्य। तो कार्य क्षमता क्या है अपनी, ए बी प्लस बी की, मतलब कि 2 प्लस 3 समय अपने लिए
निकालना है, कुल कार्य कितने अपने पास में 18। ठीक है, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 3 हो जाएंगे अपने पास 5, बिंदु में टाइम और बटे इक्वल में 18। ये हो जाएगा अपने पास में कि 18 बटे में कितना 5, इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 किया 15, ये अपने पास बचेंगे 3/5। तो ये आ जाएगा अपने पास में समय कि इतने दिन में मेरे कुल कार्य को कर लेंगे। एक इसी कार्य को 6 दिन में करता है, इसी कार्य को 9 दिन में करता है, अपन ने इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल निकल के आएगा अपने पास में कुल कार्य, कुल कार्य कितने हुआ है 18। अब हमने यहां से देखा ए 6 दिन में 18 कार्य करता है तो 1 दिन में कितना करेगा 6 किया 18, ये कितने कार्य करेगा 3 कार्य करेगा 1 दिन में। ये उसकी क्या है, ये उसकी है कार्य क्षमता। बी 9 कार्य 9 दिनों में करता है, कितने कार्य करता है 18 कार्य करता है, तो बी की कार्य क्षमता क्या निकल के आएगी 9 × 18। अगर 2 कार्य करता है 1 दिन में, अच्छा ध्यान दे कि ए 3 कार्य कर रहा है 1 दिन में, बी 2 कार्य कर रहा है 1 दिन में, हमें दोनों को मिलाकर कितने कार्य करवाना है 18 कार्य करवाना है। तो यहाँ पे सूत्र लगा दिया हमने कार्य क्षमता इनटू समय बराबर में कुल कार्य। कार्य क्षमता कितनी है, ए की पहले लिखी बी की लिखी अपन ने 2, ए की लिखी 3, ये समय ये कुल कार्य कितने कर रहा है 18। तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, बराबर में 18, 5 यहाँ से बटे में आ गए, इसको सोल्व कर लिया 5 किया 15, 3 बच रहे हैं तो 3/5, ये कितने दिनों में वो कुल कार्य कर लेना था। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देता है, ए 10 दिन में कर पा रहा है, बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी कितने दिन में समाप्त कर पा रहा है 15 दिन में समाप्त कर पा रहा है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, दोनों कितने दिनों में समाप्त करेंगे ये बताना है, मतलब कि ए प्लस बी दोनों कितने दिन में समाप्त करेंगे, क्या निकालना है समय निकालना है। तो देखो सिंपल सी बात है कि ए 10 दिन कार्य करके समाप्त कर देता है, बी 15 दिन कार्य करके समाप्त कर देता है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, कुल कार्य निकालना है, मतलब इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, और यहाँ पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास में कुल कार्य अपने पास आ जाएगा। कुल कार्य कितना आएगा यहाँ पर देखो एलसीएम देके देख लेते हैं अपन, 10 का और 15 का तो ये आ जाएगा अपने पास में 30। 10 और 15 का एलसीएम में कितना आ गया 30, ये क्या है अपने पास में कुल कार्य। अब देखो कि ए 10 दिन कार्य करके 30 कार्य कर लेता है, तो ए 1 दिन में कितना कार्य करेगा 10 किया 30, कितने कार्य करेगा 3 कार्य करेगा 1 दिन में। ठीक है, अब बी 15 दिन कार्य करता है तब जाके 30 कार्य कर पाता है, तो 15 × 3 = 30, बी कितना कार्य करेगा 2 कार्य करेगा, कितने दिन में 1 दिन में। ये क्या है इसकी कार्य क्षमता भाई अपने पास में। ठीक है, कार्य क्षमता में कि 3 कार्य करता है ए 1 दिन में, तो 10 दिन में कितने कार्य कर लेता है 30 कार्य कर लेता है, बी 15 दिन में 30 कार्य करता है तो 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है 2 कार्य कर रहा है। हमें ये निकालना है कि दोनों मिलकर 30 कार्य कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो अपने पास में फॉर्मूला है अपने पास में कार्य क्षमता इनटू में समय बराबर में कुल कार्य। तो अपन ने यहां पर देखा कि कार्य क्षमता किस किस की दिखेगी, ए और बी की, तो ये समय और कुल कार्य कितने हैं अपने पास में 30। अब देखो कि ए की क्षमता कितनी है 3 कार्य कर पा रहा है तो ये 3 प्लस, बी की क्षमता कितनी है 2 तो ये 2 हो जाएगा, इंटू में क्या आएगा समय बराबर में कितना 30। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास में 3 और 2 = 5, इंटू में टी बराबर में 30। ठीक है, 5 कहां पर चला जाएगा अपना बटे में, तो ये आ जाएगा टी बराबर में 30/5, 5 × 6 = 30, समय कितना आ गया अपने पास में 6 दिन, कि 6 दिन में ए और बी दोनों मिलकर 30 कार्य कर लेंगे। तो यहां तक आ जाएगा समझ में
कर सकते हो, कोई सा भी सवाल ऐसा आ जाए तो आसानी से, बहुत आसान से सवाल है। क्या करना है, मैं एक और बार समझ लेते हैं कि ए किसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन का समय लेता है, बी उतने ही कार्य को समाप्त करने में 15 दिन का समय लेता है, तो कुल कार्य कितने हैं। अपन ने 10 और 15 का क्या निकाला, एलसीएम, कितना निकल के आ गया 30। तो 30 क्या है, यहाँ पर हमारे पास 30 क्या है, कुल कार्य है 30। अब क्या निकालना है, ए की क्षमता, ए 10 दिन में 30 कार्य करता है, 10 दिन में 30 कार्य करता है, तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 10 दिया 30, 3 कार्य करेगा एक दिन, ठीक है। बी 15 दिनों में 30 कार्य करता है, तो बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 15 दूनी 30, दो कार्य करेगा एक। अब जब ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 है, दोनों साथ में मिलकर कार्य करें तो एक दिन में कितने कार्य करेंगे, 3 ये करेगा, 2 ये करेगा, कुल कार्य कितने हुए 5, ए प्लस बी मिलाकर 3 और 2 5 कार्य करेंगे एक दिन में। और ये क्या है, समय निकालना है, कुल कितने कार्य करना है, 30 कार्य करना है, एक दिन में 5 कार्य करना है, तो 5 बटे 2 चला गया, 5 के 30, एक दिन में 5 कार्य करना है तो 6 दिनों में 30 कार्य को कर देंगे। इसी प्रकार देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, शेष
60 थे हमारे पास में, कितने बचे 28, तो 60 में से 28 माइनस कर दिए, कितने कार्य और बच रहे हैं 22 कार्य और बच रहे हैं। तो ये बताना कितना भाग बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कितना भाग बचा हुआ है, 32 बचा हुआ है, कितने में से 60 कार्य थे टोटल, तो निकाल लेते हैं अपन, 4 से कट जाएगा, 4 8 वाले 32, 4 एकम 4 तो ये 4 बन गए 20, कितना भाग बचा हुआ है 8 बचे, 8 बटे में 15 भाग अपना बचा हुआ है। आ जाएगा समझ में, एक और बार प्रोसेस करते हैं अपन, देखो कि ए एक व्यक्ति था 15 दिन कार्य करता है, बी एक व्यक्ति उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देता है, तो हमने दोनों का एलसीएम दिया और देखा कुल कितने कार्य हैं, तो हमारे पास टोटल कार्य हैं 60, टोटल कितने कार्य हैं 60। अब ए 15 दिन तक कार्य करता है और 60 कार्य कर लेगा पूरे, तो ए की कार्य क्षमता क्या निकल के आएगी, 15 चौके 60, ए की कार्य क्षमता क्या निकल के आएगी 4, ये 4 कार्य कर रहा है एक दिन में, बी की कार्य क्षमता 20 दिया 60, बी 3 कार्य कर रहा है एक दिन में, सूत्र क्या है हमारे पास में, ये कार्य क्षमता समय बराबर में क्या हो जाएगा कार्य, ठीक है, कार्य क्षमता किस किस की, दोनों को साथ में मिलकर कार्य करना है ना, तो ए की प्लस बी की कितने दिनों तक कार्य करेंगे, 4 दिनों तक, बराबर में क्या आएगा कार्य, ठीक है, ए की और बी की क्षमता, ए की कितने 4, बी की 3, 4 दिनों तक कार्य करना है तो 4 एकल कार्य निकालेंगे, ठीक है, 4 3 7 7 चौके 28, 28 कार्य कर दिए, 4 दिनों में 28 कार्य कर दिए, 60 कार्य करना था, 28 कार्य कर चुके हैं, तो कितने बचेंगे शेष कार्य, 60 में से 28 को माइनस कर दिया, 32 कार्य शेष बचे अपने पास में, तो कितने बच रहा होगा भागेगा, तो 32 बच रहा है 60 में से, तो यहाँ से काट दिया 4 8 वाले में 32, 4 2 4 एकम 4 और 4 5 वाले में 20, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिग्मा कोचिंग क्लासेस पर, और आज अपन पढ़ने वाले हैं मैथ्स का टॉपिक समय और कार्य, जो अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ आगे के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। समय और कार्य, एक बार फिर से अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि कार्य क्षमता इंटू समय, कार्य क्षमता इंटू समय इक्वल कुल कार्य, ये हमारा फॉर्मूला है, इसी से सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। अपन देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए और बी दोनों 15 दिन में समाप्त कर पा रहे हैं, बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर पा रहा है, बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर पा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, देखो कि ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकता है ये हमारे लिए निकालना है, ए और बी जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 15 दिन में कार्य कर पा रहा है, बी अकेला जब कार्य करता है तो 20 दिन में कार्य कर पा रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है कुल कार्य कितने हैं, तो ये कैसे निकालेंगे कि इन दोनों का लेना पड़ेगा अपने लिए एलसीएम, जब हम 20 और 15 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा अपने पास में 60, मतलब कि कुल कार्य कितने आ गए अपने पास में 60, कुल कार्य 60 है। अच्छा देखो, ए और बी दोनों मिलकर 60 कार्य को 15 दिन में कर पाते हैं ना, ए और बी 60 कार्य 15 दिन में कर पाते हैं, तो ए और बी की अपन निकाल लेते हैं कार्य क्षमता, क्या निकाल लेंगे कार्य क्षमता निकाल लेंगे अपन,
15 का डिवाइड कर देंगे 60 को, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60 कितनी बार गया, 4 बार। मतलब ए और बी दोनों 4 कार्य करते हैं एक दिन में, 4 कार्य करते हैं एक दिन में, तो 15 दिन में 60 कार्य कर लेते हैं। बी 20 दिन में 60 कार्य करता है, तो 20 दिया 60, 20 की बी की कार्य क्षमता कितनी है 3, बी 3 कार्य कर पाता है एक दिन में। अच्छा हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है 4 और बी की कार्य क्षमता कितनी है 3, बी की कार्य क्षमता 3 है तो बी का मान यहाँ पे रख दो, ए प्लस 3 बराबर में कितनी 4, तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 4 माइनस 3, ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 1। ठीक है, यहाँ तक आ गया, ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 1। अब ए को कितने कार्य करना है 60 कार्य करना है, तो ये पूछा कि टाइम कितना लगेगा, तो ए की कार्य क्षमता 1 है, टाइम निकालना है अपने लिए 60 कार्य उसको कुल करना है, तो कितना टाइम लगेगा 60 दिन उसको लग जाएंगे, ये क्या आ गया अपना आंसर। ठीक है, एक और बार समझते हैं अपन कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 15 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, अपन निकाल लेते हैं कि इन दोनों कुल कार्य कितने करते हैं, तो अपन ने लिया 15 और 20 का एलसीएम, 60 के आ गए अपने पास में, कुल कार्य आ गए 60। ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं कि एक दिन में कितने कार्य करते हैं, तो 15 से डिवाइड कर देंगे 60 को, 15 चौके 60, 4 कार्य करते हैं एक दिन में। बी की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, 20 दिया 60, बी 3 कार्य करता है एक दिन में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि ए प्लस बी दोनों 4 कार्य करते हैं एक दिन में, बी अकेला 3 कार्य करता है एक दिन में, तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता 4 है, बी की कार्य क्षमता 3 है, बी का मान यहाँ पर रख देंगे, तो बी की जगह पे अपन ने रखा ए प्लस 3 बराबर में 4, ए की कार्य क्षमता क्या जाएगी यहाँ से 1 आ गई। अब ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है कार्य क्षमता, ए की समय का मान निकालना है, कुल कार्य कितने अपने पास में 60, ए का मान ए आया है, 1 आया है, ये टी 60, तो जब अपन टी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 60 दिन अपने पास आएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी के जैसे देखते हैं अगला सवाल।